टुडे न्यूज के साथ में मैजिक फुटवेयर हीरो सफलता को बांटो। नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद समाचार शुरू करी। कोरोना नियंत्रण में असहयोग करे वाला स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जवाब तैयारी करने संबंधी प्रशंसा। कोरोना महामारी नियंत्रण में असहयोग करे वाला निजी स्वास्थ्य संस्था एवं मेडिकल कॉलेज विरुद्ध प्रदेश सरकार अदालत जवाब तैयारी शुरू कर मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय में मंगल दिन संपन्न प्रदेश संकट व्यवस्थापन केंद्र PCMC के बैसार से कोरोना महामारी नियंत्रण में असहयोग करे वाला प्रदेश स्थित मेडिकल कॉलेज सहित निजी स्वास्थ्य संस्था विरुद्ध अदालत सेवाक तैयारी शुरू कल बैसार से सामाजिक विकास मंत्री के संयोजकत्व में सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब समेत रह जका समन्वय समिति गठन करे वो समिति से मेडिकल कॉलेज सहित के निजी स्वास्थ्य संस्था सब संग कोरोना व्यवस्थापन के विषय में पहल चरण में विमर्श करवाक मेडिकल कॉलेज तथा निजी संचालक सबके संघीय सरकार तोपने दर रेट उपलब्ध कराकर कोविड इलाजक लेल प्रयोग करे वाला निर्णय कने के बाद से हो मेडिकल कॉलेज तथा निजी अस्पताल सब कोविड इलाज में सहयोग नहीं कलक कार्यवाही तथा दर्ता खारिज के लिए संघीय सरकार में लीक कर पठेबा तथा कानून बमोजिम कार्यवाही के लिए मुद्दा प्रक्रिया आगा बढ़ेबा निर्णय कलक बैसार से प्रदेश में समुदाय स्तर में फैलित जा रहा कोरोना महामारी नियंत्रण में रहल मुश्किल एवं सरकार के कर प्रभाव का सब बारे में जिला स्तर से जानकारी लेवा प्रदेश के 4 स्थान में 2-2 जिला समुदाय जका बैसार करवाक निर्णय सेहो कलक संगे प्रदेश सरकार आ PCMC विगत में कने निर्णय सब अविलंब कार्यान्वयन कर सरकार वाला सबके निर्देशन सेहो दलक बैसार से संबोधन करते मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत कोरोना के अति दुखदायी तथा असहज परिस्थिति में सब नागरिक के बचाव के पहल जिम्मेदारी भला से प्रदेश सरकार कठोर से कठोर कदम चाल बाध्य रहा बतलखिन ओ अ विषय में परिस्थिति में सब पक्ष के अपन अपन स्तर से सहयोग कर अपील सेहो कलन इससे पहले ही निर्णय भेल बीरगंज जनकपुरधाम आ राजविराग में थप PCR मशीन जड़ान एवं गौर में नया लैब संचालन कार्य अविलंब पूरा करवाक संगे महतारी के जलेश्वर में सेहो नया PCR लैब संचालन करवाक निर्णय आई के बैसा सकलक बैसार से कोरोना महामारी नियंत्रण में देखल गेल जनशक्ति अभाव के अविलंब करार सेवा मार्फत परिपूर्ति कर सेहो सामाजिक विकास मंत्रालय के निर्देशन दिलक एके संगे बैसार से कोरोना महामारी नियंत्रण में उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह कर वाला चिकित्सक सह स्वास्थ्यकर्मी एवं सुरक्षाकर्मी के प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत करवाक निर्णय सेहो कलक नेपाल में थप 1016 गोट में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल देश के विभिन्न स्थान में कैल गेल परीक्षण के क्रम में पैघ संख्या में कोरोना संक्रमित भेटल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम झापा के 21 गोट खोटांग के 1 गोट मोरंग के 108 गोट ओखल ढुंगा के 1 गोट पांचथर के 1 गोट सुनसरी के 8 गोटे उदयपुर के 2 गोटे शंखुआ सभा के 3 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल जानकारी दिलन तहिना प्रदेश नंबर 2 में 12 के 42 गोट धनसा के 64 गोटे महतरी के 24 गोटे परसा में 128 गोटे रौथट के 37 गोटे सप्तरी के 3 गोटे सरलाई के 107 गोटे सिरहा में 16 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल तहिना बागमती प्रदेश में भक्तपुर के 17 गोटे चितवन के 49 धादिंग के 2 दोलखा के 2 काठमांडू के 138 काभ्रे के 21 ललितपुर के 50 मकबानपुर के 30 सिंधली के 1 सिंधुपाल्चो के 3 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल तरह गंडकी प्रदेश के जिला सब में बागलुंग के 3 गोरखा के 2 कास्की के 16 लमजुंग के 1 नवलपरासी पूर्व के 4 स्यांगा के 1 आ तनहू के 2 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल तहिना प्रदेश नंबर 5 के जिला सब बांकी के 6 गोटे बर्दिया के 9 गोटे दांग में 1 कपिल वस्तु में 19 नवलपरासी पश्चिम में 1 रोलपा में 1 आ रूपंदेही में 14 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल तरह कर्णाली प्रदेश के जिला सब में दैलेख में 5 रुकुम पश्चिम के 1 सुर्खेत के 1 कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल सुदूर पश्चिम के जिला में दारचूला के 2 डोटी के 46 कैलाली के 1 आ कंचनपुर के 1 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलन 12 में 42 धनुषा 64 महोत्तरी 24 परसा 128
रौतहट 37, सप्तरी 3, सर्लाई 107 र सिराहा 16 र बागमती प्रदेशमा भक्तपुर 17, चितवन 49, धादिङ 2, दोलखा 2, काठमाडौँ 138, काभ्रेपलाञ्चोक 21, ललितपुर 50, मकवानपुर 30, सिन्धुली 1 र सिन्धुपाल्चोक 3। गण्डकी प्रदेशमा बागलुङ 3, गोर्खा 2, कास्की 16, लमजुङ 1, नवलपरासी पूर्व 4, स्याङ्जा 1 र तनहुँ 2 र प्रदेश 5मा बाँके 6, बर्दिया 9, दाङ 1, कपिलवस्तु 19, नवलपरासी पश्चिम 1, रोल्पा 1 र रूपन्देही 14 र कर्णाली प्रदेशमा दैलेखमा 5, रुकुम पश्चिममा 1, सुर्खेतमा 1। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दार्चुला 2, डोटी 46, कैलाली 1 र कञ्चनपुर 1 गरी आजको जम्मा संक्रमितको संख्या 1016 र आजसम्म संक्रमित हुनुहुनेहरू ठिक भएर फर्किनुभएका र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 28,257 र निधन आज 7 जनाको दुःखद निधन भएको छ। काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका एक एकजना पुरुष र तनहुँ जिल्लाका एकजना महिला गरी आजसम्म जम्मा मङ्गलदिन कोरोनाका कारण थप 7 मृत्यु भेल आ एखन धरि मृत्यु होवलाका संख्या 114 पहुँचल। मन्त्रालय जनौलकै छ एखन सक्रिय संक्रमितके संख्या 10,563 गोट रहल अछि त मङ्गल दिन थप 85 गोटे कोरोना मुक्त भएको डिस्चार्ज सो भेल अछि। एखन धरि 17,580 गोट डिस्चार्ज भेल मन्त्रालय जनौलकै छ। स्थानीय तह गठन भेलासँग विकासके कार्यमे व्यापक अनियमितता भेल आरोप सब लगैत आबि रहल अछि। स्थानीय तहमे विकासके पूर्वाधारके नाममे कमिसन आ भ्रष्टाचार मौलायल देखल गेल अछि। धनुषाके नगराई नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 स्वास्थ्य चौकी निर्माणमे ओही वार्डक वार्ड अध्यक्ष विष्णुदेव झा व्यापक अनियमितता कहने खुजल अछि। 16 लाख लागतमे निर्माण करय लागल ओ स्वास्थ्य चौकी निर्माण कार्य शुरुआत कयल गेल। 48 घंटा नै बीते कुर्सीसँ पिलर धरि खड़ा कयल गेलाक बाद कुर्सी भसाय लगलाक बाद निर्माणमे चलखेल भेल बुझल गेल अछि। भसा लगलाक बाद कुर्सीके बलजप्ती सीमेंटके तालो लगाकर झाँपके काज भेल रहितो दोसर दिन सेहो कुर्सी भसा लागल स्थानीय सब बतलखन। एम्हर वार्डक झा अपना कुर्सी अपने घर में वार्ड कार्यालय रखने कहत स्थानीय सब विरोध सेहो जनौलकै छ। वार्ड अध्यक्ष विष्णुदेव झा के निजी संपत्ति में रहल घरे में वार्ड कार्यालय कायम राखि कऽ घर भाड़ा वापस के रकम ओ लऽ रहल स्थानीय सबके कहब रहल अछि। वार्ड अध्यक्ष झा अपन सम्पूर्ण काजक जिम्मेदारी अपन पुत्र अजय झा के देने ओ सेटिंग सँ मीटिंग कऽ कऽ अपने खुशी उपभोक्ता समिति गठन कऽ कऽ ओहिसँ कमीशन असूलित आयल स्थानीय सबके आरोप रहल अछि। धनुषाके एक जनप्रतिनिधि के सरकारी मोटरसाइकिल चोरी भेल अछि। धनुषाके कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष शिवा पासवान प्रयोग करैत आयल सरकारी प्रदेश 202001B0059 नंबर के सरकारी मोटरसाइकिल जनकपुरधाम वार्ड नंबर 16 स्थित जलाद पुल नजदीक से चोरी भेल बताओल गेल अछि। वार्ड अध्यक्ष पासवान जनकपुरधाम स्थित अपन घर आयल समय सोम के मध्य राति में मोटरसाइकिल चोरी भेल जानकारी प्राप्त भेल अछि। पालिका प्रयोगक लेल देने मोटरसाइकिल चोरी भेल अध्यक्ष पासवान मंगल दिन जानकारी कराने नगरपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेंद्र कुमार सढ़ा जानकारी देने। धनुषाधाम नगरपालिका के एक वार्ड अध्यक्ष अपन पद के आड़ में स्थानीय ऊपर हाथ पात कने आरोप लागल अछि। धनुषाधाम नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के वार्ड अध्यक्ष संजीव यादव मंगल दिन वार्ड नंबर 9 के तेजी यादव के सब परिवार ऊपर पीटपाट कर घायल बनाने आरोप लागल अछि। प्राप्त जानकारी अनुसार वार्ड अध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय अनरजीत यादव, प्रदीप यादव, राम प्रसाद यादव, नागेंद्र यादव लगाए पीटपाट कर सब परिवार के घायल बनौलक अछि। पीटपाट से तेजी यादव आ हुनकर कनिया मंतोरिया देवी यादव, पुत्र भरोस यादव, पुतौ सोनू यादव आ छोटका पुत्र शत्रुघ्न यादव घायल भेल अछि। घायल सबके इलाज एखन ढालकेवर स्थित क्लिनिक में भ रहल घायल भरोसी यादव जानकारी देलनि। लंबा समय से कार चोरी आ ग्रावेल चोरी के धंधा में लागल वार्ड अध्यक्ष अपन काम में नहीं सहयोग करने कहते पीटपाट कने पीड़ित परिवार सब आरोप लगौल अछि।
मंगल दिन भिन्सारे वार्धक्ष यादव एक घर में मिस्त्री पवन शाह के सेहो पीटपाट कने छल। पूरा परिवार ऊपर पीटपाट कला पर इलाका प्रहरी कार्यालय ढलके भर निवेदन लेब अस्वीकार कने अछि। वार्धक्ष संजीव यादव के नाम हटाओल गेल त मात्र उजड़ी दर्ता कृपा प्रहरी निरीक्षक तीर्थ कार्की बताने पीड़ित परिवार से सुनौलन। एम्हर प्रहरी निरीक्षक कार्की परिवार ऊपर पीटपाट के बाद पीड़ित परिवार निवेदन देब आयल मुदा मिल क गेल दावी। नेपाली कांग्रेस जनकपुरधाम नगर समिति के सभापति एवं मेयर के प्रत्याशी मनोज शाह जनकपुरधाम महानगरपालिका वार्ड नंबर 17 स्थित जलाब नदी तटबंध के निरीक्षण कल। शाह प्रदेश सरकार के बजट से 100 मीटर निर्माण कैल गए तटबंध के निरीक्षण कने। वो हुला के राजमार्ग अंतर्गत धनसा के कोड़ेसर के पुल से ओसरा होते रेलवे लाइन धर के बाढ़ से कटान कने नदी क्षेत्र के निरीक्षण कल। उपमहानगरपालिका के पूर्वी भाग कनकपट्टी ओसरा भोइल तेतैया बेलौनी लगाए के क्षेत्र में नदी के पानी पैसकर गाम डुबान में पड़ित आयल। प्रदेश सरकार के बजट से निर्माण भ रहा तटबंध से ओ क्षेत्र के स्थानीय सब के पैघ राहत पहुँचत से विश्वास कैल गेल। ओ क्षेत्र के अधिकांश स्थानीय सब कृषि संग संबंधित भेला से हो ओ तटबंध निर्माण के नेपाली कांग्रेस जोर देने। नगर सभापति शाह उप महानगरपालिका के विपत्त व्यवस्थापन समिति से बैसार आ संबंधित निकाय समय कैने प्रयास से तटबंध निर्माण होब संभव भेल। नेपाली कांग्रेस वार्ड नंबर 17 के सभापति बालबोध यादव बतौलन। निरीक्षण में जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन धौसा के इंजीनियर गिरीन्द्र झा सहित नेपाली कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता लगायत स्थानीय सबके उल्लेख्य उपस्थिति रहल छ। टुडे समाचार में छोट छिन वेबसाइट छ। यस डायरी में मेरा सभी मीठा यादहरु छन्। मेरो हाथ में यही फेवरेट बैट थियो जब मैले पहिलो पटक इंटरनेशनल सेंचुरी बनाए। यही बॉलले मैले फर्स्ट टाइम 5 विकेट्स लिएको थिए। ओडीआई स्टेटस पाउँदाको त्यो क्षण अनि मेरो पहिलो म्यान अफ द म्याच अवार्ड पनि। मैले हासिल गरेको अचिभमेन्टमा मेरो मेहनत, संघर्ष अनि मलाई साथ दिने मेरा फेभरेट चीजहरु छन्। सफलताको बाटो हिड्ने ती सबैलाई म्याजिकको सल्युट। म्याजिक फुटवेयर, हिडो सफलता को बाटो। ए त्यो रातो वाला हैन, हरियो वाला। ए सानो वाला हैन के, ठुलो वाला गाडीमा, ठुलो वाला। नमस्कार साउजी। नमस्कार, बसौ न बसौ। अनि वहाँ चाहिँ मास्टर वाला कि इन्जिनियर वाला? यो कान्छो इन्जिनियर। ए कान्छो इन्जिनियर वाला। अनि किन आउनु भयो होला? सिमेन्ट चाहियो, त्यही भएर आइयो। ए ए ए, कुन सिमेन्ट? राष्ट्रिय वाला कि अन्तर्राष्ट्रिय वाला? अखण्ड वाला कि मेरुदण्ड वाला? शक्ति वाला कि भक्ति वाला? चुनी वाला कि मनी वाला? ए साउजी, नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट। ए ए, नो कम्प्रोमाइज वाला शिवम सिमेन्ट, ठीक रोज्नु भयो। नेपाल गुणस्तर प्रथम अवार्डबाट पुरस्कृत असली ओपीसी सिमेन्ट शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। के पिउ कि कुन चाहिँ वाला? जीवन को हरेक मोडमा छ सीरियस स्ट्राइकरले दिन्छ सुपर कम्फर्टको आवाज। टीवीएस स्ट्राइकर ले दिन्छ 65 किलोमीटर भन्दा बढी सुपर माइलेज। हरेक दिन यात्रा गर्छु म भरोसा लिएर। टीवीएस स्ट्राइकर को सुपर स्टाइल ले सारा संसार को आँखा हुन्छ म माथि नै। टीवीएस स्ट्राइकर 125cc सुपर भन्दा एक्स्ट्रा सुपर। अपन जनकपुर कैशलेस जनकपुर आइए नजीक के आईएमई काउंटर से पैसा काट लिया आ कोनो दुकान में कार्ड लगा पैसा तिरू आ ब्याज से हो कमाओ छुली तिरली चलल। कोका कोला आज जूसो झप झप हुँदा
केटीहरूले दामी सेल्फी खिचेछन्, त्यो मिस भयो। मनपर्ने सिङ्गर बोल्न आएको थियो, त्यो पनि मिस भयो। शक्ति छ नाममै संगीत छ नाममै पहिचान छ नाममै यसको जीवन तान्से ओपीसी सिमेन्ट। हाय हाय, सुन न म तिम्रोलाई जहाँ पनि जान सक्छु नि। साच्चै कहाँसम्म जान सक्छु? वेट, ल हेर, यहाँसम्म जान सक्छु। त्यहाँसम्म मात्रै? खै त, कहाँसम्म जान सक्छौ? के भयो बाबा, तिम्रो लिमिटलेस माया वाइफाईले लिमिट गरिदियो? एनसेलको वायर फ्री प्लस वार्षिक भुक्तानी गरेमा कर बाहेक मात्र रु 690 मा 60 GB वायर फ्री डेटा प्लस 10 GB सिम डेटा प्लस 200 मिनट भोइस प्याक र अन्य डिजिटल सेवाहरूको गजबको कम्बो। थप जानकारीको लागि 9008 डायल गर्नुहोस्। एनसेल, आज भोलि सधैँसँगै। विश्रामक बाद पुनः स्वागत अछि टुडे समाचारमे। अब बाँकी प्रश्न, सरकार कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा इलाजक लेल आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक जिम्मा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीके देबाक निर्णय कयलक अछि। मंत्रिपरिषद के निर्णय सार्वजनिक रह मंगल दिन सिंह दरबार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर युवराज खतिवड़ा जिला भरि या जिला के कोनो भाग में आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा करबाक जिम्मा स्थानीय प्रशासन के देबाक निर्णय कयने जानकारी देलनि अछि। ओ स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 प्रयोग कर सब प्रमुख जिलाधिकारी के अधिकार देबाक निर्णय कयने बतौलनि। निषेधाज्ञा तथा सार्वजनिक कार्यालय में न्यूनतम कर्मचारी से काम कराओ करबाक आ अन्य कर्मचारी घरे से काम करबाक व्यवस्था मिलाओ करबाक ओ बतौलनि। तेना सार्वजनिक सेवा संचालन, पेशा व्यवसाय संचालन आ अंतर्राष्ट्रीय सीमाना में आवत जावत सब प्रकारक सेमिनार गोष्ठी लगायत के बात में अभिपूर्वक आदेश से पालना कराब के निर्णय कयने सेहो ओ बतौलनि। तेना मंत्रिपरिषद त बाढ़ आ भूस्खलन में पड़िकर मृत्यु भेल सबके परिवार के सरकार आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराब के निर्णय कलक अछि। बाढ़ भूस्खलन में पड़िकर मृत्यु भेल सब परिवार के एक गोटे के मृत्यु भेल रहल त 2 लाख आ एक ही परिवार में 100 बेसी के मृत्यु भेल त प्रति व्यक्ति थप 1 लाख के दर से राहत उपलब्ध कराब के निर्णय कयने प्रवक्ता खतिवड़ा जानकारी देलनि। बैसार से राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व सचिव महेश दहाल आ सदस्य पूर्व महासचिव निर्मल हरि अधिकारी के नियुक्त करबाक निर्णय कयने ओ बतौलनि। मंत्रिपरिषद बैसार से बेल्जियम के लेल गेहेन्द्र भंडारी, पाकिस्तान के लेल तापस अधिकारी आ जर्मनी के राजदूत में रामकाजी खड़का के नियुक्त कयल गेल जानकारी देलनि। पाकिस्तान भित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकेका कार्यहरू गर्ने अथवा वर्क फ्रम होमको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने, त्यसै गरी सार्वजनिक आवागमन, पेसा व्यवसाय सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा आवत जावत, सबै प्रकारका बैठक, सेमिनार, गोष्ठी, तालिम, सम्मेलन, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप लगायतका विषयमा यस पूर्वका आदेशहरूद्वारा गरिएका व्यवस्थाहरू र जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षाका मापदण्ड, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सम्बन्धी मापदण्ड, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाहरू COVID-19 रोकथाम नियन्त्रण उपचारको सम्बन्धमा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिमका आदेशको तहिना बैसार सब विद्युत प्रसारण आ वितरण प्रणाली सुधार के एसियाली विकास बैंक से 200 मिलियन डॉलर आ नर्वे सरकार के दिशा अमेरिकी डॉलर 35 मिलियन रुपया बराबर के ऋण स्वीकार करबाक निर्णय कयलक अछि। ओ रकम दक्षिण पूर्वी एसियाली देश में विद्युत व्यापार कर आ प्रणाली सुधार कर उपयोग के जवाब अर्थमंत्री डॉक्टर खतिवड़ा जानकारी देलनि। बैसार से अनुदान के मौल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 के स्वीकृत करबाक निर्णय सेहो कयलक।
भारत के मध्य प्रदेश में बनल न्यून चापीय क्षेत्र के सामान्य प्रभाव नेपाल में पड़ल ओहि कारण से देश भर वर्षा भेल अछि। जल तथा मौसम विभागक अनुसार मनसूनी न्यून चापीय रेखा नेपाल के दक्षिण दिश रहल अछि। देश भर आंशिक से सामान्य बदली के अवस्था रहल अछि त बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, प्रदेश नंबर 5 आ कर्णाली प्रदेश तथा आसपास के क्षेत्र में किछ स्थान में वर्षा भेल अछि। बागमती प्रदेश, गंडकी प्रदेश, प्रदेश नंबर 5 कर्णाली प्रदेश के आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के किछ स्थान में 3 दिन भारी वर्षा के संभावना रहल विभाग के कहब रहल अछि। विभाग से भारी वर्षा के संभावना रहल क्षेत्र के नदी में पानी के बहाव बढ़त, पहाड़ी क्षेत्र में भूक्षय हेबाक, भूस्खलन हेबाक, ढल आ पानी के नीक निकास नहि रहल ठाम में डुबान होब सकबाक भेला से आवश्यक सतर्कता अपनाब अनुरोध कयल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 में कोरोना संक्रमित के संख्या 7500 पहुंचल अछि। आई मात्र प्रदेश के विभिन्न जिला में 324 गोटे में कोरोना के नया संक्रमण पुष्टि भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय प्रदेश 2 के वरिष्ठ चिकित्सक कमलेश प्रसाद यादव जानकारी देलनि। देश के विभिन्न प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण प्रसन्न सबसे बेसी 124 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना 12 में 59, भुनसा में 54, रौतहट में 44, सप्तरी में 14, महोत्तरी आ सिरहा में 13 गोटे आ सरलाही में 3 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। परसा के बीरगंज में 10 गोटे, छपकैया में 6, मूर्ति चौक में 8, बीरता में 3, बहादुरमाई नगर पालिका में 25, जिला प्रहरी कार्यालय परसा में 5, बीरता प्रहरी चौकी में 2, नेशनल मेडिकल कॉलेज में 2, पोखरिया नगर पालिका घर रहल कलैया अस्पताल 12 में रहल 1 गोट आ ठाम नहि खुदल स्थान के 62 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 12 के कलैया उपमहानगर पालिका में 6 गोटे, परसौनी गाँव पालिका में 5, सिमरौनगढ़ नगर पालिका में 1, पिलुआ में 3, कलैया अस्पताल में 1, जीतपुर सिमरा घर रहे कलैया अस्पताल में रहल 1, सिमरा के 1, इनरवा घर रहल कलैया अस्पताल में भर्ना भेल 1, मोतीसर घर रहल कलैया अस्पताल में भर्ना भेल 1, पथलैया के 5, कोल्हबी नगर पालिका के 7, SNP 12 के 6 आ ठाम नहि खुजल स्थान के 21 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। धौसा के जनकपुर धाम में 14, वार्ड नंबर 4 जानकी चौक में 10, सबैला नगर पालिका के 1, चक्कर के 2, घोड़घास के 2, जानकी मेडिकल कॉलेज के 2, नेपाल बांग्लादेश बैंक के 3, हंसपुर नगर पालिका के 5, जानकी हेल्थ केयर के 5, लक्ष्मी बैंक के 1, रामपुर के 1, मिथिला विहार नगर पालिका के 1, मिथिला नगर पालिका के 2, सहेन्द्रनगर नगर पालिका के 2, पौड़ेसर के 1, नेपाल पुलिस के 1 आ औरही के 1 गोटे में कोरोना के संक्रमण भेटल अछि। रौतहट के कठारिया नगर पालिका में 1, गरुड़ा नगर पालिका में 2 आ ठाम में खुदल स्थान के 41 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। सप्तरी के राजविराज नगर पालिका में 1, हनुमान नगर कंकालनी गाँव पालिका में 11 आ तिलाठी कोइलाड़ी गाँव पालिका में 2 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। महतरी के बदवास नगर पालिका में 2, उद्योग वाणिज्य संघ मठियानी के 6, रतौली के 1, महतरी गाँव पालिका के 1, रामगोपालपुर के 1, बलवा के 1 आ सुगा के 1 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना सिरहा के सोठियारा में 1, मिर्तैया नगर पालिका के 6, कल्याणपुर घर रहल कलैया अस्पताल 12 में रहल 1 आ ठाम ने खुदल स्थान के 5 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना सरलाही के लालबंदी नगर पालिका में 1, आठाम ने खुदल स्थान के 2 गोटे में नया संक्रमण पुष्टि भेल। सामाजिक विकास मंत्रालय जनौलक अछि तहिना आइ एहि प्रदेश में 8 महिला सहित 48 गोटे कोरोना संक्रमित ठीक भऽ कऽ अपन घर घुरल अछि। आइ एहि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ककरो मृत्यु नहि भेल अछि। समाजवादी पार्टी के भातृ संगठन समाजवादी युवा संघ एक समूह से यूट्यूब चैनल मार्फत एक गीत सार्वजनिक करैत राष्ट्रीय झंडा जराबला कार्रवाई के मांग कयलक अछि। समाजवादी युवा संघ के अध्यक्ष समेत रहल प्रदेश 2 के सरकार के कृषि भूमि सुधार तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव एक हस्ताक्षरित विज्ञप्ति जारी करैत राष्ट्रीय झंडा जराबला दृश्य द्रोही ऊपर कार्रवाई के मांग कयलक अछि। भादो 1 गते से मंगोल हब ऑफियल नाम के यूट्यूब चैनल से प्रसारित रैप गीत दृश्य द्रोही में प्रयोग भेल शब्द आ दृश्य प्रति गंभीर आपत्ति भेल सेहो विज्ञप्ति मार्फत जनौलक अछि। अध्यक्ष यादव विज्ञप्ति में नेपाल के पहचान, राष्ट्रीयता, एकता, संवेदनशीलता ऊपर प्रहार कक जातीय सद्भाव में खलल पहुँचाबे वाला ओ गीत भर्सना योग्य होबक संगे ओ गीत प्रसारण संग संबंधित सबके कड़ा दंड के भागीदार रहल जनाओल गेल अछि। आपत्तिजनक शब्द से भरल ओ गीत में नेपाल के राष्ट्रीय झंडा के अपमान करक केनाई आरो अक्षम्य रहल ओ विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। अध्यक्ष यादव मुलुकी अपराध संहिता अनुसार राष्ट्रीय झंडा के अपमान करवला के 3 वर्ष कैद आ जरिमाना सेहो लेबाक व्यवस्था रहला से तत्काल ओही अनुसार कार्रवाई कर मांग कयलक अछि।
व्यस्त टुडे समाचार खनखले लेख भया हम प्रमोद की विदा दिया देखते रहो टीवी टुडे जनकपुर नमस्कार।